हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फर्स्ट, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? गुद्देदार पुष्पाशन। इसका सही उत्तर है गुद्देदार पुष्पाशन। दूसरा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। इसका सही उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। तीसरा, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? मसूलीपट्टनम में 1611 में। चौथा, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसका सही उत्तर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। पाँचवा, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन क्षेत्र। इसका सही उत्तर है सियाचिन क्षेत्र। छठवा, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? अल्पाइन हलचल के दौरान। सातवा, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आलंगन मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? लॉर्ड वेलेजली। इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेलेजली। आठवा, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? मोटे अनाजों पर। इसका सही उत्तर है मोटे अनाजों पर। नौवा, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। इसका सही उत्तर है मदुरई। दसवां, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। इसका सही उत्तर है माजुली। ग्यारहवां, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। बारह, किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के। तेरह, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? 1:4। इसका सही उत्तर है 1:4। चौथा, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? प्राकृत। पंद्रह, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। सोलह, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में मनाया जाता है? रॉकी। सोलह, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है रॉकी। सत्रह, शेन झाऊ 12 शेन झाऊ 6 किस देश के मानवरहित अंतरिक्ष यान है? चीन के। 18, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ को। 19, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? ज्योतिबा फुले। इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। 20, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसका सही उत्तर है 9 जनवरी को। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।